सेट योर रियलिस्टिक गोल्स, मतलब रियलिस्टिक गोल्स। दोस्तों हर इंसान, बहुत ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, उनमें गोल्स बनाने की बात करते हैं, गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ। तकरीबन लोग गोल बनाते भी हैं, गोल डिसाइड भी करते हैं, कुछ पूरा कर पाते हैं कुछ पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, गोल में ज्यादातर लोगों से गोल बनाओ, सर गाड़ी खरीदनी है, सर घर खरीदना है, सर बैंक बैलेंस लाना है। भाई ये गोल तो किसका नहीं है, ये गोल ऑटो गोल है, ये रियलिस्टिक नहीं है। गाड़ी खरीदनी है, हाँ जरूरत सबकी है, अच्छा घर जरूरत सबकी है, ये तो ऑटो, ये तो लाइफ में वो पार्ट है जो इसेंशियल है, जो हर आदमी को चाहिए चाहिए जिंदगी जीने के लिए। ये भी गोल है, ये गोल है, ये पाना भी है, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों एक गोल है, सेट योर रियलिस्टिक गोल्स, सेट योर रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स, हम यहां क्यों आए, किस लिए आए? कनेक्ट योर गोल्स विद योर इमोशंस, अपने सपनों को अपनी भावनाओं से कनेक्ट करो, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करो, आपकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं अपने सपनों को उनसे कनेक्ट करो। आज आप यहाँ पर आए हो तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हो आप यहाँ पर, आप अपने घरों की तकलीफें दूर करने को आए हो, जो पैसे से ही दूर हो सकती है, बातों से दूर नहीं होगी। किसी के घर में बाप बीमार हो सकता है, किसी की बहन की शादी उसका गोल हो सकता है, किसी का सबसे पहले किराए का घर छोड़ के घर बनाना गोल हो सकता है, किसी का सबसे पहले गाड़ी लेना गोल हो सकता है, किसी का कर्जा उतारना गोल हो सकता है। मेरा कहने का मतलब मेरे दोस्त, गोल अपने अपने होते हैं, और गोल अगर सच्चे होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, तो जरूर पूरे होते हैं। गोल बनावटी होते हैं, गोल दिखावटी होते हैं। लक्ष्य दिखावटी हो, लक्ष्य बनावटी हो, वो लक्ष्य होता ही नहीं। लक्ष्य सच्चा हो, लक्ष्य ईमानदारी से निर्णय किया हुआ हो, निश्चित किया हो कि मेरे घर की आज ये तकलीफ है, मुझे आज उसको पूरा करना है। मेरे घर में साइकिल है, मुझे सबसे पहला गोल मेरा मोटरसाइकिल है, नहीं है BMW, नहीं है मर्सिडीज, नहीं है साइकिल है, तो भाई मोटरसाइकिल चाहिए। मैं किराए पे घर पे रहता हूं, मेरा गोल है कि फटाफट मुझे नया घर, चाहे दो कमरे का मिले, मुझे अपना घर खरीदना है। मेरा भाई पढ़ने जाता है, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ सकता है, मेरा गोल है कि मुझे अपने भाई को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, इतने पैसों की जरूरत है, मुझे सबसे पहले वो पैसे प्राप्त करने, दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक गोल्स। तो दोस्तों आप अपनी डायरियों में गोल बनाते हो, उनको रियलिस्टिक बनाओ, इनको अपने इमोशंस से कनेक्ट करो, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करो। जो तकलीफें जिंदगी में आपकी हुई हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए अपने गोल बनाओ, ना कि दिखावे के लिए, पैसे के लिए नहीं, तकलीफों को दूर करने के लिए अपने गोल बनाओ। और जो आपका लक्ष्य है ना दोस्तों, वो स्मार्ट होना चाहिए। जो लोग नहीं बनाते, मैंने बहुत सी ट्रेनिंग लेता हूँ, हाँ भाई क्या गोल है सर, 2020 में गाड़ी लेनी है। भाई कौन सी लेनी है, पता नहीं सर, देखूंगा जब पैसे आएंगे। सर मुझे 2023 में घर बनाना है, कहाँ बनाना है पता नहीं सर, कौन सी कॉलोनी में बनाना है पता नहीं सर, कितने गज का बनाना है पता नहीं सर, इंटीरियर कितने का कराना है पता नहीं सर। ये गोल नहीं है, ये पावर, वो एनर्जी, वो ताकत आपके अंदर जीतने की आ ही नहीं सकती। गोल होता है स्मार्ट, स्पेसिफिक, BMW 5 सीरीज 55 लाख की, मेजरेबल, 2023 में लेनी है, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, 2023 5 जनवरी शाम को 5:30 बजे BMW की चाबी लेके आऊंगा 5 सीरीज की, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। घर 200 गज का फलानी कॉलोनी में, इतना 2 मंजिल का, 70 लाख का, 30 लाख का इंटीरियर इसी कॉलोनी में, यहाँ लूंगा ही लूंगा, 25 जनवरी को, 2024 को लूंगा यहाँ पर इस कॉलोनी में, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। दोस्तों इस दुनिया में अगर बड़े लोग भी ऐसे गोल बनाते कि हम प्राप्त कर लेंगे, तो कभी बड़े नहीं बन पाते। हमें इस दिन तक प्राप्त करना है, इसलिए इस दुनिया में दोस्तों किसी ने यह नहीं कहा कि रेस कितनी भी हो सकती है, रेस या तो 100 मीटर की होगी, या 200 मीटर की होगी, या 300 मीटर की होगी, या 400 मीटर की होगी। इस दुनिया में जितने भी लक्ष्य बने हैं, वो टाइम लिमिट पे बने, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। हाँ भाई दौड़ना है तो दौड़ते रहो, भाई कहां तक दौड़ना है पता ही नहीं तो दौड़ते रहो, पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, थका के भाग जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे यार मैंने अचीवमेंट प्राप्त नहीं करी, मौका मिलने के बाद, क्योंकि आपका गोल स्मार्ट नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था, मेजरेबल नहीं था, अटेनेबल नहीं था, रियलिस्टिक नहीं था,
टाइमली नहीं था। तो दोस्तों अपने गोल की डायरी को चेंज करो, उसमें अपने इमोशंस को कनेक्ट करके अपने गोल लिखो और हर गोल को बीट करने की डेट और टाइम लिखो। और गोल तीन पार्ट में जीवन में बांटे जाते हैं और गोल फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। आज कुछ है तो 6 महीने बाद कुछ और हो सकता है, क्योंकि आज घर की आज मेरा गोल है गाड़ी खरीदना, 6 महीने बाद मेरे भाई डॉक्टर बन रहा है, वह 50 लाख लग रहे हैं, तो हो सकता है मैं गाड़ी की बजाय अपने भाई को डॉक्टर बना दूं। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गोल फ्लेक्सिबल नहीं होते, जरूरतों के अनुसार होते हैं अपनी, क्या हमें क्या जरूरत है। और दोस्तों गोल को तीन पार्ट में अगर हम बांट ले तो 100% हर आदमी बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर सकता है। क्या आप एक दिन में हाथी खा सकते हो? 100 करोड़ कमाना एक तरह से हाथी खाने के बराबर है। बंदा कहता है नहीं खा सकता, मैं जीवन में कभी हाथी नहीं खा सकता। मैं भी कहता हूं मैं भी नहीं खा सकता, आप भी सोचोगे आप भी नहीं खा सकते, लेकिन नहीं, हम सब हाथी खा सकते हैं। वी कैन नॉट ईट एलिफेंट एट अ टाइम, पर वी विल ईट अ फुल एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम। छोटा छोटा टुकड़ा खाएंगे, एक दिन पूरा हाथी हजम कर जाएंगे। 1000 के चेक से शुरुआत करेंगे, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 6000 का, धीरे 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 1.5 लाख का भी होगा, 50 लाख महीने का भी होगा, 100 करोड़ भी आएंगे, पूरा हाथी हम खा जाएंगे वन बाइट एट अ टाइम। दोस्तों इसीलिए गोल को तीन पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिडिल टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। पहला गोल, आज मैं फ्रेशर आया हूँ, मेरे को 6 महीने का गोल बनाना है। भैया 6 महीने में मेरे घर की सबसे बड़ी जरूरत ये मुझे पूरी करनी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। फिर मुझे 3 साल का गोल बनाना है कि जब ये जरूरत पूरी हो जाएगी तो मेरे घर की बड़ी जरूरत ये है 6 महीने से 3 साल की, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म गोल। फिर जब ये जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म गोल कि आप मुझे अगले 10 साल के अंदर ये चीजें प्राप्त करनी है, 15 साल के अंदर ये प्राप्त करनी है, ये मेरी जिंदगी होगी, मेरा 2 करोड़ का बंगला होगा, 5 करोड़ का फार्म हाउस होगा, 5 करोड़ की गाड़ी होगी, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन आपको कितनी भी बड़ी मंजिल की शुरुआत पहली सीढ़ी से करनी होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। एकदम से मत देखो अनुज शर्मा पोर्शे में, तो मुझे पोर्शे में घूमना है। अरे बेटा आप फ्रेशर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, आज आप पोर्शे नहीं ले सकते, लेकिन आज से 4 साल बाद आप भी पोर्शे ले सकते हो। आप वो 4 साल के हिसाब से अपने आप को मैनेज करो, 4 साल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी प्लानिंग बनाओ, 5 साल के हिसाब से प्लानिंग बनाओ। एक दिन में ताजमहल नहीं बनेगा भाई, एक दिन में एक कमरे का घर बन सकता है, ठीक है, झोपड़ियां बन सकती है। अगर जिंदगी ताजमहल वाली चाहिए, जिंदगी 7 स्टार चाहिए, तो थोड़ा समय लगता है। और समय के साथ इंसान को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, समय देना चाहिए। बच्चा 9 महीने में होता था, 9 महीने हुआ, बड़ी बड़ी साइंस आ गई, 2 महीने में कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई। तो जीवन का हर चीज का एक सिस्टम है, डिसिप्लिन टाइम है, जितना लगता ही लगता है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल एक व्यक्ति को लगेंगे ही लगेंगे अचीवमेंट प्राप्त करने में, एक अच्छी जिंदगी जीने में, एक अच्छी जिंदगी आने में 5 साल लगेंगे लगेंगे भाई। ये कोई गेहूं की फसल थोड़ी है कि 3 महीने में हो जाएगी फिर कट जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी फिर कट जाएगी। ये आम का पेड़ है भाई, 5 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, लेकिन पूरी जिंदगी फल देता है। ये बंबू ट्री है जो 6 साल में 6 फीट बढ़ता है, लेकिन 6ठे साल में 600 फीट बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप दूसरी नौकरियों से, दूसरे व्यापार से कंपेयर बिल्कुल ना करें। अपने लक्ष्य यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल है, जो दायरे हैं, जो मायने हैं, जो तौर तरीके हैं, उसके अनुसार अपने लक्ष्य बनाएं। नौकरी के हिसाब से या दुकानदारी के हिसाब से अपने लक्ष्य बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य चूक जाएंगे। और दोस्तों गोल की इमोशन से जब लोग गोल कनेक्ट होता है तो उसकी ताकत क्या होती है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक सट्टा लगाने वाला व्यक्ति था, तो वो जब दौड़ होती थी तो उसमें सट्टा लगाता था कि भाई कौन जीतेगा, वो सट्टा लगाता था और जीत जाता था। तो एक बार जब उसने सट्टा लगाया, दो दौड़ने वाले लोग थे, 100-100 मीटर की दौड़ थी, दोनों अच्छा दौड़ते थे, तो किसी ने कहा भाई तू सट्टा मास्टर है, तू सट्टा लगाता, तू ये बता कौन जीतेगा। उसने कहा आज बी जीतेगा। बोला बी ए क्यों नहीं, ए भी अच्छा दौड़ता है, बराबर का दौड़ता है। बोला इसके पीछे एक कारण है, ए और बी दोनों बराबर के दौड़ते हैं, दोनों एक जैसा दौड़ते हैं, लेकिन जीतेगा बी, ए नहीं जीतेगा। वो बोला ऐसा क्यों यार, ए भी तो उससे ज्यादा अच्छा दौड़ता है। बोला कुछ भी हो बी जीतेगा। बोला कारण तो बता। बोला इसलिए कि जो ए दौड़ेगा
वो गोल्ड मेडल के लिए दौड़ेगा, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए। और जो ये बी दौड़ रहा है, इसकी माँ बीमार है, ये अपनी माँ की बीमारी के लिए दौड़ेगा। और जब इसकी माँ बीमार है तो जो शक्ति, जो एनर्जी इसकी माँ को ठीक करने के लिए, दौड़ के पैसे जीत कर उसको ठीक करने के लिए जो एनर्जी इसकी बॉडी में आएगी, वो एक ही बॉडी में नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं रियलिस्टिक गोल्स। कनेक्ट विद योर गोल, विद योर इमोशंस। दोस्तों हर लक्ष्य आप प्राप्त करोगे अगर उस लक्ष्य में आपके सच्चे इमोशंस उसमें होंगे। हर लक्ष्य आपके लिए छोटा हो जाएगा, हर अचीवमेंट आपके लिए छोटी हो जाएगी, और आपके अंदर वो पावर आएगी। क्योंकि जब मेरी माँ बीमार होगी तो जैसा मैं कभी नहीं दौड़ा, आज ऐसा दौड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी माँ बीमार है और मुझे वो मेडल प्राप्त करके अपनी माँ के लिए दवाइयां लानी है। ऐसा मैं कभी नहीं दौड़ा जैसा मैं आज दौड़ूंगा। दोस्तों इसे कहते हैं रियलिस्टिक गोल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद SLPS का हर डायरेक्ट सेलर इमोशनली गोल बनाएगा, रियलिस्टिक गोल बनाएगा, अपनी तकलीफों से, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करके गोल बनाएगा, शॉर्ट टर्म बनाएगा, मिडिल टर्म बनाएगा, लॉन्ग टर्म बनाएगा, और स्मार्ट बनाएगा, और 100% डेट और टाइम के साथ उसे प्राप्त करेगा। ये आज 100% मेरा दिल कह रहा है, ऐसा जरूर हो।